हरिओम नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्री गंगा ज्योतिष और मैं आपके साथ आपका ज्योतिष मित्र डॉक्टर राजकुमार शर्मा। सबसे पहले आज शुक्रवार दिनांक 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज हम चर्चा करेंगे कि जो फिर से एक असमंजस पैदा हुआ है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 18 को मनाई जाए या 19 को। कल भी लोगों ने कल मेरे पास एक मैसेज आया शाम को कि जो भी स्मार्ट मत वाले हैं या सनातनी हैं गृहस्थी हैं उन्हें 18 तारीख का ही व्रत करना चाहिए, 19 तारीख का व्रत उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा विवश हो गया इस बात पर प्रकाश डालने के लिए, इसलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। थोड़ा मैं लेट तो हो गया हूँ लेकिन फिर भी आप सभी लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ। देखिए सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार या जन्मोत्सव पर्व मनाए जाते हैं उनके सबके नियम अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो वैष्णव मत के अनुसार जब तक एकादशी तिथि सूर्योदय कालीन ना आए और साथ में द्वादशी का योग ना हो तब तक हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थी का व्रत होता है, उसका नियम दूसरा है। उसमें जैसे कि सूर्योदय काल में तृतीया है लेकिन अगर चंद्रोदय काल में चतुर्थी आ रही है तो उसी दिन चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, अर्थात चंद्रोदय काल में चतुर्थी का रहना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार अब हम जन्माष्टमी में बात करते हैं तो जन्माष्टमी का जो व्रत है उसमें अष्टमी सबसे पहले उदयकालीन होनी चाहिए जो कि 18 तारीख को नहीं थी, 19 तारीख को उदयकालीन है। साथ में कहा गया है कि रात को 9:30 या 9:45 बजे तक ये अष्टमी है तो फिर रात को भगवान का जन्म तो नवमी में होगा। तो देखिए व्रत उदयकालीन है अतः 19 तारीख का रहेगा। रही बात जन्मोत्सव की तो ये जन्मोत्सव का जो त्योहार है वह नक्षत्र प्रधान त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, जब अर्धरात्रि के बाद तीसरे प्रहर में रोहिणी नक्षत्र का रहना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि आज हो रहा है। रात्रि 12 बजे बाद तीसरे प्रहर में रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, अतः जन्मोत्सव 19 को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार की ज्योतिष वेद वेदांग और हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।